अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेट्रोल नंबर 90 डीजल 100 गैस में लग गया धागा। अब मोदी जी दाढ़ी छुपा के भागा। सबसे पहले मोदी जी पे 2000 का चलान होना चाहिए। क्यों के अगर हम दिल्ली में मैं बात करने वाला हूँ, जो राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि अपनी फसल को आग लगा देंगे, उसके बाद हरियाणा में ज़्यादा जो माहौल देखने को मिला, ट्रैक्टरों द्वारा जो है फसलों को, खड़ी फसल को बहा दिया गया। हम आए आज गाजीपुर बॉर्डर से, इनसे काफ़ी जो है ज़बरदस्त सवाल रहेंगे, ज़बरदस्त। और मैं आपको बता दूँ यकीनन के तौर पर, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की स्टेज के ठीक सामने हूँ और वहाँ पर जो हरियाणा की जो हमारी ताई चाची है वो गीत गान ला रही है, पर ध्यान तो सुनियो। तो आइए बात करेंगे ताऊ हरिंदर चाचा से, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। पहले तो राम राम आना तो जी हरियाणा। राम राम भाई। वो ठीक हो जी? बढ़िया जी। अभी आंदोलन काफ़ी गति पकड़ चुका है पहले से ज़्यादा, और राकेश टिकैत का एक बयान आया था कुछ टाइम पहले कि हम अपनी फसल को आग लगा देंगे, उसके बाद हरियाणा में जो देखने को मिला सबको चौकाचौंध कर दिया, क्योंकि कुछ हरियाणा वालों ने अपनी 90-90 एकड़ जो फसल बहाने की तैयारी कर दी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या होगा, नुकसान होगा देश का? नहीं, वो जो हमारे किसान भाई हैं वो थोड़ा समझ नहीं पाए उनकी बात को जी। क्योंकि किसान दुखी है। तो राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम अपनी फसल में आग लगा देंगे। लगा देंगे मतलब लगा देंगे, लगाएंगे नहीं, लगा देंगे। लेकिन हमारा किसान इतना भोला है, दुखी है कि उसने सोचा कह दिया उन्होंने, कर दो काम। तो वो उनको समझाया गया है, कुछ ने फसल बर्बाद कर दी है, ऐसा ना करें, कोई ना करें, उन्होंने मना किया है। लेकिन कहीं अपोजिट ये बात भी आई थी कि कहीं ना कहीं जो इनको पैसे दे करके ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको पैसे दिए जाते हैं फसल के, उसके बाद बुआई किया जाती है। नहीं, कौन दे रहा पैसे हमारी समझ में नहीं आता। ये गोदी मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कह लो, मोदी मीडिया कह लो, और ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है कि वो हमें जो है बदनाम करना चाहता है जी। और हमने एक कसम खा रखी है कि देओगे जितनी गालियां, फूल बरसेंगे किसानों पर उतने। तो तुम गालियां दो, हमारे ऊपर फूल बरसते हैं, देओ गाली। अभी ये 100 दिन के लगभग हो चुके हैं आंदोलन है, 100 का तोड़ ये लिखेगा, 100 का तोड़ 40 लाख ट्रैक्टर। 40 लाख ट्रैक्टर? ट्रैक्टर कब? जिस दिन डेट घोषित हो जाएगी। अच्छा, उसी दिन 12 घंटे का टाइम दे दें राकेश टिकैत जी, तुरंत ट्रैक्टर आ जाएंगे सब बॉर्डरों पे। 40 लाख एक होगा, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। तो अभी क्या लगता है आपको भाई, आंदोलन काफ़ी जो थोड़ा नरम भी आया था उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेतों में काम होया करा, अभी वापसी बोर्ड रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि काफ़ी जो है 50 के लगभग ट्रैक्टर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं, तो ये क्यों आए हैं, मतलब इनको कुछ निर्देश दिए गए थे या बुलाए गए हैं? नहीं नहीं, वो तो एक बनाया गया ना, सबकी शिफ्ट वाइज बना रखी है कि हो सकता है आज उस गांव का नंबर हो तो वो आते हैं, कुछ आते हैं, जिनको काम है वो घर जाएंगे, जिनका काम वहां से निमट गया वो बॉर्डर आएंगे, फिर उनको काम आएगा वे जाएंगे, दूसरे आएंगे। तो ये जैसे फैक्ट्रियों में शिफ्ट चलती है उस तरीके से बना। अभी बाबा रामदेव ने उस कुछ टाइम पहले 2-3 दिन की बात होली कि उन्होंने तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके ऊपर बात कही थी कि ये अच्छा हुआ, इससे क्या होगा कि लोग जो है साइकिलों पे सवार होंगे और उनकी हेल्थ जो है बढ़िया रहेगा, मतलब स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसके ऊपर क्या कहना है? सच्चाई है बिल्कुल यह बात? तो फिर इस बाबा रामदेव से पूछो कि 2013 में रजत शर्मा के प्रोग्राम में वहाँ कला कर रहा था, जब बच्चों से पूछ रहा था कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, आज सस्ता होने के बजाय महंगा हो रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पेट्रोल डीजल 90 पार। तो एक कहावत है, मैं उसे ही सुना देता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेट्रोल नंबर 90 डीजल 100 गैस में लग गया धागा। अब मोदी जी दाढ़ी छुपा के भागा। अच्छा, भाग्या कहाँ, तो भी यही है, भाग्या कोरोना का इंजेक्शन लेने। हाँ हाँ, यह बात भाई नोट करिए आज, क्योंकि कुछ लोग किसानों का भी ये भी कहा करते, बात चल लिया करते कि पहले मोदी जी लगवाएंगे इंजेक्शन, तो अभी खबर आई थी कल उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया, क्या अभी किसान भी लगवाएंगे? सबसे पहले मोदी जी पे 2000 का चलान होना चाहिए। क्यों? कि अगर हम दिल्ली में जाते हैं बिना मास्क के, हमारे ऊपर 2000 का चलान होता है, और वहाँ
दो दो नर्स अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए थी और मोदी जी बिना मास्क के था, तो क्या फोटो जीबी पकड़ी बात। ये था फोटो जीबी, बात पकड़ के भाई, बात पकड़ लिया। ये स्टैंड पड़ पाएगा फिर तुमने देख के, स्टैंड क्यों पाता? सच कहना हमारा काम है, सच बोल करके जनता को सच बताना ही तो हमारा काम है। आप भी लगा रहे मास्क यहाँ पूरे आंदोलन को, कोई लगा रहे? उसने भी लगाया हुआ, थोड़ी देर क्या बात होगी? क्यों, हम तो आंदोलन जीवी हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। कहलवाओ उससे फोटो जीवी है, फोटो जीवी का फोटो तो उसको कह के थोड़ा खिंचवाते हैं, उसके साथ तो काफी मीडिया पत्रकार रहते हैं, क्या पता खींच लियो ना फोटो। तो मास्क क्यों नहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जो घुसेगा, मैं यूपी में बैठा हूँ। तो अभी हम हरियाणा से आए थे, कल ही जो DSP को निर्देश दिए गए थे कि अगर जो कोई बिना मास्क के रहा तो उसके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना और 6-1 हफ्ते की जेल। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये स्टंट क्यों अपना रही है सरकार? अभी भी इन्हों कह रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगाने की साजिश चल रही है कि भारत में दोबारा फिर लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, आंदोलन से डरी हुई है सरकार, जब इनके कोई हथियार नहीं चले अब फिर कोरोना का डर दिखा रहे हैं। कहाँ है कोरोना? जहाँ जहाँ चुनाव है, बंगाल चले जाओ, आसाम चले जाओ, उधर जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना क्या छुट्टी पे गया हुआ है? जी बिल्कुल, बताओ। और एक ये कृषि मंत्री जिसे बता रहे हो तुम, मैं तो इसे चपरासी कहता हूँ, नरेंद्र तोमर, ये कहता है कि भीड़ से कानून वापस नहीं होते, तो इसको बताओ कि बंगाल में भीड़ से वोट नहीं मिलती, फिर क्यों करते हैं? क्यों भीड़ जितनी? अगर इनके हिम्मत है तो पूरे देश के अंदर काम पर वोट मांगे ना जी। मांगे काम पर वोट, काम पर ही तो मांग रहे हो। कहाँ मांगे, किसी के मुंह से कहलवाओ कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, और हमने काम नहीं किया तो वोट मत देना, कहलवाओ। एक बार एक पावर शक्ति बनी थी, चंद्रयान भेजा था ऊपर, इतना बड़ा संघर्ष जो सरकार ने कदम उठाया था, अपनी जो इसरो है उसको पावरफुल बनाने में कहीं ना कहीं गया था। क्यों चंद्रयान पे पहले नहीं गए? पहले से तो चल रहा है यार, रिसर्च सेंटर ही इसी ने बनाया है, बताओ जी। सारी तो देश बेच दिया, कुछ छोड़ा है देश में? जो पिछली सरकारों ने संपत्ति बनाई ये उसको बेचने पर लग रहा, बेची गानी जी करने पर, ठेके पर जो करीब लोग होता भाई, अगर ठेके पर भी तो जमीन दिया करते, क्योंकि 40,000 रुपये साल के नाम के, वही तो सिस्टम बेचे कहाँ, वो फिर वही गलत फहमी पड़ रही है आपकी। ठेके पर कौन दे, नालायक जिसके पास की खेती करनी नहीं। हाँ, ये बात चल रही है, ये बात बिल्कुल सही। भाई अगर मैं नालायक हूँ, खेती मेरे बस की नहीं है करनी, मेरे हाथ पैर टूट गए, मैं बीमार हो गया, तो मैं खेती नहीं कर पाने का। ये कारण हो सकते हैं है? तो ये नालायक हैं, अपाइज हैं, बीमार हैं, तो फिर देश क्यों चला रहे, छोटे देश को? ये बिल्कुल 100% बात ही, यही बात तो ऑब्जेक्शन उठता है। तो अभी क्या चल रहा है, ना तो कोई सरकार के साथ कोई बैठक हो रही है, ना कुछ हलचल हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, तो अखिल समाधान कौन से रास्ते पर निकलेगा और कब निकलेगा? समाधान निकलेगा बात से, समाधान बात से ही निकलेगा, वार्ता से ही निकलेगा। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कितने दिन वार्ता करती है, कितने दिन बात करती है, क्योंकि दिनों का तो हमें पता नहीं कितने दिन हो गए, हम महीनों पर गिनते हैं, और 3 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ दिन बाद हम बताना शुरू करेंगे कि महीने हमारे याद नहीं, साल गिनेंगे। अभी तो सरकार ये सोच रही है, कहीं ना कहीं ये अपना रही है कि अभी जो किसान जो कम हुए हैं तो कुछ देर दिन बाद फसल कटा हुआ होगी, उसके बाद और कम होंगे, फिर उसके बाद और कम होंगे, इस तरह से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। क्या 100% यही बात सही है? ये सरकार तो पहले दिन से करती आ रही कि सर्दी में भाग जाएंगे, बारिश पड़ रही है भाग जाएंगे, फिर कहती है गर्मी में भाग जाएंगे। अरे देखो ना, हमने गर्मी के सब इंतजाम कर दिए कर दिए, धीरे धीरे बढ़ने लग रहे। क्या क्या बढ़ने लग रहे? जो ये देखो, अब ऊपर देखो, इसमें हमने ये लगा दिया, दिखाओ, ये लगा दिया ऊपर छत में कि गर्मी ना आए, पंखा लग गया है, जिस दिन कनेक्शन मिल जाएगा पंखा भी चल जाएगा, सोलर से चलाएंगे। अगर जो सरकार ने कनेक्शन नहीं दिए फिर सोलर से चलाएंगे, दिल्ली सरकार से मांग लेंगे, वो भी ना देगी तो जनरेटर लगेंगे,
जनरेटर लगेंगे, जनरेटर लगेंगे, टिकट सब कर दे, एसी का भी इंतजाम होगा 70% बस। क्यों हम एसी में नहीं रह सकते? जो हमारे घर लग रहे पुनः हम यहाँ ले आऊंगे, यहाँ ले आऊंगे और क्या करना। अरे जब यही रहना, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो इसके सिवा जाना कहाँ। जी बिल्कुल। और ये